हरे कृष्ण। कल हमने देखा किस प्रकार से दशरथ महाराज के मन में इच्छा हुई कि उनके बेटे राम का विवाह होना चाहिए। 12-13 साल के राम हो गए हैं और ये इच्छा लेकर के वो अपने मंत्रिमंडल के साथ बैठे थे कि विश्वामित्र मुनि आए। और विश्वामित्र मुनि के आने के बाद क्या हुआ, दशरथ महाराज को जैसे ही पता चला विश्वामित्र मुनि आए हैं, तुरंत दशरथ महाराज पर्सनली उनका वेलकम करने के लिए मंदिर के प्रांगण की ओर भागे। दशरथ महाराज को आते हुए विश्वामित्र मुनि ने देखा, उनका क्रोध थोड़ा शांत हो गया। दशरथ महाराज आते ही नतमस्तक होकर के विश्वामित्र मुनि को प्रणाम किए, उनके पैर छुए, कई सुंदर वचनों से उन्होंने विश्वामित्र मुनि का ग्लोरिफिकेशन किया, उनकी स्तुति की। और ये सारी स्तुति ये ऐसे आडंबर के जैसे नहीं थी, अरे बाबा ये कौन आ गया, करना ही चाहिए। दे वेर रियली जेन्युइन वर्ड्स फिल्ड विथ स्वीट अफेक्शन, क्योंकि दशरथ महाराज जानते थे हु इज विश्वामित्र। इट इज़ अ डिफरेंट थिंग कि वो गुस्सेल हैं, लेकिन वॉट ही स्टैंड्स फॉर एंड वॉट हिज पावर इज, यस, ये दशरथ महाराज भली भांति जानते थे। सो हम देखते हैं कि हर एक व्यक्ति में कोई ना कोई खामी होती है। अगर हम उस व्यक्ति के गुणों को छोड़ करके हम केवल उसकी खामियों पर ही कॉन्सेंट्रेट करेंगे, वी विल ऑलवेज विलिफाई दैट पर्सन, हम उसको हमेशा विलन बनाते रहेंगे। दशरथ महाराज की स्तुति, उनकी आदर सत्कार देख करके दशरथ महाराजों ने अंदर लेकर के आए। दशरथ महाराज ने अपने से भी बड़े आसन पर उन्हें स्थानापन्न किया, उनके चरण कमलों को पैर से हाथ से धोया, वो जल लेकर के अपने ऊपर, अपने मंत्रिमंडल के ऊपर छिड़का। सो विश्वामित्र मुनि वॉज वेरी प्लीज्ड। विश्वामित्र मुनि ने दशरथ महाराज से दो सवाल पूछे। पहला कि क्या तुम अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में समर्थ रहे हो, और दूसरा क्या तुम सही में अपने काया वाचा और मन से समाज और भगवान की सेवा कर रहे हो। यू सी, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस। पहला, क्या तुमने अपने शत्रुओं पर विजय पाई है। बाह्य शत्रुओं पर विजय पाना आसान है, हम कहीं पॉलिटिक्स कर सकते हैं, हम कहीं पीछे से छुरा मार सकते हैं, किसी के बारे में गलत फहमियाँ फैला सकते हैं। शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना बाह्य रूप से बहुत आसान है, लेकिन आंतरिक शत्रु, एंड विश्वामित्र मुनि वॉज रेफरिंग टू बोथ, आंतरिक शत्रु का क्या, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, इनके ऊपर विजय प्राप्त की है। और एक समय विजय प्राप्त करना फिर भी ठीक है, कंटिन्यूअसली जब ये बैटल चले, और हम देखते हैं ये चलता ही है। तुकाराम महाराज बहुत सुंदर रूप से कहते हैं मराठी में, आम्हा वैष्णवा सदैव युद्धाचा प्रसंग, बाहेरोनी जनाचा आतोनी मनाचा। एक वैष्णव के लिए इट इज ऑलवेज अ बैटल ग्राउंड, बाह्य रूप से वो दूसरे लोगों से लड़ेगा जो भक्ति के तत्व के विपरीत हैं, और आंतरिक रूप से वो अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूपी शत्रुओं से लड़ेगा। और ये तो हुआ पहला क्वेश्चन। दूसरा कि अरे क्या तुम अपना उपयोग समाज और भगवान की सेवा में कर रहे हो। दशरथ महाराज कहते हैं हाँ, काया वाचा और मन से मैं भगवान की सेवा करता हूँ और संपूर्ण अयोध्या के राज्य की भी सेवा करता हूँ। जब विश्वामित्र मुनि ने यह सुना वो बहुत प्रसन्न हो गए। दशरथ महाराज भी जानते थे विश्वामित्र मुनि ऐसे ही कहीं नहीं जाएंगे, इफ ही हैज कम ही डेफिनेटली हैज अ पर्पस। तो दशरथ महाराज ने उनसे पूछा कि आपका आगमन किस कारण हुआ, और वो पूछते हैं कि मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का जो आपका क्वेस्ट है, जो आपकी मंशा है, वो कहां तक जा रही है। सी व्हाट अ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन, यू वांट टू कॉन्कर डेथ एंड हाउ मच हैव यू प्रोग्रेस्ड इन इट। सो विश्वामित्र मुनि को बहुत ही सटीक प्रश्न पूछ रहे हैं दशरथ,
और विश्वामित्र मुनि भी बहुत सटीक प्रश्न पूछ रहे हैं दशरथ को। दशरथ महाराज ने कहा, हे गुरुवर, हे साधुओं में सर्वश्रेष्ठ, आपकी जो इच्छा है मैं पूरी करूंगा। आप हमारे महल में ऐसे आए हैं जैसे बहुत वर्षों के बाद वर्षा आती है। आप हमारे महल में ऐसे आए हैं जैसे पूरे एक महीने के बाद पूर्णिमा का चंद्र खिलता है। आप हमारे महल में ऐसे आए हैं जैसे कड़ी गर्मी के बाद, 8 महीने के बाद पहली वर्षा की बूंदें धरती पर छिटकती हैं। आप हमारे पास ऐसे आए हैं जैसे एक व्यक्ति, जैसे कोई जानवर अपने शिकारी के मुंह में फंसा हो और उसे छूटने पर कैसा लगता है, वैसा मुझे आपको देखने का लग रहा है। सो विश्वामित्र वॉज वेरी हैप्पी एंड देन दशरथ महाराज सेड, आप जो भी इच्छा करेंगे मैं आपकी पूरी करूंगा। एंड दिस वॉज ऑल्सो अ फ्लॉ, बिना जानते हुए कि सामने वाला व्यक्ति क्या पूछ सकता है। हम जब हड़बड़ी में, यू सी वी शुड नेवर प्रॉमिस इन टू कंडीशंस, वन व्हेन वी आर वेरी सैड, सेकंड व्हेन वी आर वेरी हैप्पी, बिकॉज वी आर नॉट आवरसेल्व्स। सो दशरथ महाराज अत्यंत प्रसन्न है और उन्होंने एक वचन दे डाला, और उस वचन के रूप में विश्वामित्र क्या मांगेंगे ये हम देखेंगे।